नाजरीन ब्राउज के एक नए और दिलचस्प एपिसोड के साथ मैं हूं अहमद हसीब। आज आपको देने जा रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी सेफ्टी के बारे में। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी को रहता है हर दम आपकी सेफ्टी का ख्याल। आप जहां हो आप महफूज रहें, तभी हम कहते हैं कि सेफ रहें सेफ सिटी के साथ। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की पब्लिक सेफ्टी ऐप अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो आप कैसे रह सकते हैं महफूज, आइए जानते हैं प्रोग्राम ब्राउज में। जब आप पब्लिक सेफ्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं और 15 पर कॉल करते हैं तो आपकी लोकेशन पंजाब पुलिस से शेयर हो जाती है और पुलिस आपकी मदद के लिए बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द पहुंच सकती है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी पब्लिक सेफ्टी ऐप के लॉस्ट एंड फाउंड फीचर से आप गुमशुदा शख्स, गाड़ी या डॉक्यूमेंट के बारे इतला दे सकते हैं, या अगर कोई आपको लापता शख्स, गाड़ी या डॉक्यूमेंट कहीं से मिलता है तो आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी मंजिल की जानिब रवान दवा हैं और आप रास्ते में मौजूद ट्रैफिक बारे मालूमात हासिल करना चाहते हैं। खवातीन घर से बाहर कहीं भी जाएं तो विमेन सेफ्टी ऐप फीचर की बदौलत हर लम्हा वो अपने आप को महफूज तसव्वुर कर सकती हैं। अगर आपको कोई एमरजेंसी लाहक हो जाए आप अपनी लोकेशन अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आइए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी पब्लिक सेफ्टी ऐप के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। पब्लिक सेफ्टी ऐप पर रजिस्टर होने के लिए एप्लीकेशन में अपना मोबाइल फ़ोन दर्ज करें। आपके मोबाइल पर 5 हिस्सों पर मबनी कोड भेजा जाएगा। कोड एंटर करने के बाद आपसे आपके बारे चंद मालूमात पूछी जाएंगी। सबसे पहले आप अपना नाम दर्ज करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड और घर के पते का इंदराज करें। अपनी जिंस का इंतखाब करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर PSCA पब्लिक सेफ्टी ऐप की मेन स्क्रीन नमूदार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एमरजेंसी की सूरत में 15 पर कॉल करने के लिए बटन मौजूद है। इसके अलावा स्क्रीन पर नीचे 4 फीचर्स दिए गए हैं, विमेन सेफ्टी ऐप, ई चलान, लॉस्ट एंड फाउंड एंड ट्रैफिक फ्लो। जब आप विमेन सेफ्टी ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी ई चलानिंग की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास सर्च ई चलान की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। आया आपकी सवारी का कोई ई चालान है या नहीं मालूम करने के लिए प्लेट नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। अगर आपके नाम पर कोई ई चालान होगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर तफसीलात आ जाएंगी, वरना आपको नॉट फाउंड का मैसेज रिसीव होगा। पब्लिक सेफ्टी ऐप का अगला फीचर है लॉस्ट एंड फाउंड। यहां पर आपको 6 मजीद ऑप्शंस दी जाएंगी, लॉस्ट पर्सन, लॉस्ट व्हीकल, लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स, फाउंड पर्सन, फाउंड व्हीकल और फाउंड डॉक्यूमेंट्स। अपनी मतलूबा सहूलत पर क्लिक करें, इंफॉर्मेशन का इंदराज करें। आपकी कोई भी चीज मिलने की सूरत में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आपके साथ राब्ता करेगा। अगर आपको कोई शख्स, व्हीकल या डॉक्यूमेंट कहीं से मिला है तो आपका राब्ता मतलूबा शख्स के घर वालों से या असल मालिक से करवा दिया जाएगा। अगर आप ट्रैफिक फ्लो की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास गूगल मैप ओपन हो जाएगा, जिससे आप ट्रैफिक फ्लो के बारे में जान सकते हैं। अगर आपके रास्ते में ग्रीन लाइन है तो इसका मतलब है स्मूथ ट्रैफिक फ्लो। अगर लाइन ऑरेंज है तो इसका मतलब है कि आपके रास्ते में ट्रैफिक स्लो है। रेड लाइन की सूरत में ट्रैफिक ब्लॉक है, जबकि डार्क रेड की सूरत में ट्रैफिक कंजेशन का शिकार है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी पब्लिक सेफ्टी ऐप की बदौलत आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में एक क्लिक की दूरी पर मदद को तलब कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।